वायरल फीवर से राहत पाने के लिए अपनाएं ये असरदार आयुर्वेदिक उपचार। वायरल फीवर बहुत ही आम बात है और ये बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करता है। अक्सर हम बुखार से राहत पाने के लिए एंटीबायोटिक दवाओं को अपनाते हैं, लेकिन वायरल फीवर के कई प्राकृतिक उपचार मौजूद हैं और इनसे आपको किसी साइड इफेक्ट्स का खतरा भी नहीं होता है। नंबर एक, धनिया की चाय। धनिया के बीजों में विटामिन भरे हुए होते हैं जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। इसके अलावा धनिया में कई ऐसे एंटीबायोटिक यौगिक और शक्तिशाली अस्थिर तेल मिले हुए होते हैं जो कि इसे प्रभावी बुखार को कम करने वाली दवा बनाते हैं। धनिया की चाय को बनाने के लिए एक ग्लास पानी में एक चम्मच धनिया के बीज जोड़ें और फिर इसे उबाल लें। ठंडा होने पर इसे छान ले और फिर इस मिश्रण में दूध और चीनी मिलाकर इसकी चाय बना ले। नंबर दो, सावा के बीजों का काढ़ा। सावा के बीजों में कई औषधीय गुण होते हैं जो कि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने, शरीर को आराम देने और आपके शरीर के तापमान को बुखार में कम करने में काफी प्रभावी होते हैं। ये वायरल बुखार के इलाज के लिए काफी असरदार दवा है। काढ़े को बनाने के लिए काली मिर्च और कलौंजी दोनों के एक चम्मच के साथ सावा के बीजों को भून लें और फिर इस अव्यय को पानी में मिलाकर 10 मिनट के लिए उबाल लें। अंत में इसमें दालचीनी पाउडर की एक चुटकी जोड़ें और वायरल फीवर से राहत पाने के लिए इस समाधान को छानकर पी लें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको भी वायरल फीवर है तो आप भी इन असरदार आयुर्वेदिक उपचारों को इस्तेमाल कर उससे राहत पा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक लिए अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।